सभी को नमस्कार। मैं सरिता एक बार फिर से आप सबके बीच में लोकोज एप्लीकेशन की आगे की जानकारी लेकर आज हम लोकोज एप्लीकेशन के दूसरे चरण के विषय में जानेंगे। पहले चरण के विषय में हम SHG प्रोफाइल बनाना, मेंबर प्रोफाइल बनाना, ग्राम संगठन की प्रोफाइल तैयार करना और CLF की प्रोफाइल तैयार करने करना सीख चुके हैं। सभी वीडियो आप में आपको विस्तार से बताया गया है। आज हम दूसरे चरण के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो ऊपर वाले बॉक्सेज हैं और नीचे वाले जो बॉक्स हैं उनको हम दूसरे चरण में काम में लेंगे, और आज हम दूसरा चरण शुरू करने जा रहे हैं। तो हम SHG मीटिंग में जाएंगे। यहाँ पर दो SHG हैं। हमारे लोकोज एप्लीकेशन के दूसरे चरण पे जाने से पहले जरूरी है कि आप सभी SHG की प्रोफाइल कंप्लीट करके उनको लॉक करके BPM तक भेजें। जब BPM द्वारा SHG को अप्रूव कर दिया जाएगा तभी हम SHG के दूसरे चरण पे काम कर पाएंगे। दूसरे चरण में हमें SHG कट ऑफ और रेगुलर मीटिंग भरनी है, जिसके लिए हमें थ्री डॉट्स पे जाना होगा। पिछली बैठक में हमने अनमोल और अंबे दोनों SHG को लॉक किया था। अब ये दोनों SHG BPM द्वारा अप्रूव कर दिए गए हैं और अब हमें कट ऑफ भरनी है। अंबे महिला SHG के कट ऑफ भरने के लिए हम थ्री डॉट्स पे जाएंगे और जरनेट मीटिंग करेंगे। लास्ट मीटिंग नंबर और लास्ट मीटिंग डेट अभी यहाँ नहीं भर सकते क्योंकि अभी हमें कट ऑफ जनरेट करनी है। मीटिंग नंबर 1 और 9/3/2019 यह समूह की गठन डेट दिख रही है। यहाँ हम समूह की कट ऑफ मीटिंग नंबर डालेंगे। 2019 से लेकर 2022 तक समूह कितनी मीटिंग कर चुका है वो नंबर डालेंगे, और 2022 तक महीना हम डालेंगे, उसकी डेट हम फिल करेंगे। हमने देखा कि मई 2022 तक 50 बैठक अम्बे महिला SHG कर चुका है और मीटिंग डेट, जैसे अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो जून महीने में बना रही हूँ, हमें मई महीने की लास्ट बैठक इसमें भरनी है। तो मैं मई पे जाऊंगी और पहले 2022 सेलेक्ट करूंगी। मैंने 2022 सेलेक्ट किया और मई 2022 की 24 तारीख मैं ले लेती हूँ, और 24/5/2022 तक की सारी समरी, किन सदस्यों की कितनी बचत हुई है, कितना लोन ले चुके हैं, कितना क्लोज कर चुके हैं, ये सारी ही चीजें 2019 से लेकर 2022 तक की समरी हमने कट ऑफ में डालनी है। हम जरनेट, हमने मीटिंग नंबर और मीटिंग डेट डाल दी है और जरनेट एंड ओपन पे क्लिक करेंगे। डू यू वांट टू जरनेट ए कट ऑफ मीटिंग? हम यस पे क्लिक करेंगे और हम कट ऑफ मीटिंग डालेंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे हम अंबे महिला SHG, इसका MIS कोड है। लास्ट मीटिंग नंबर हमने 50 डाला है और लास्ट मीटिंग डेट हम 24/5/2022 हमने चुना है। अब हम इस डेट तक, 2019 से लेकर इस डेट तक का सारा डेटा फिल करेंगे। सबसे पहले हम अटेंडेंस भरेंगे। सभी मेंबर्स इन 50 बैठकों में कितनी बार आए हैं? जैसे अनीता 50 बैठकों में 50 बार आई है, मान लेते हैं लवली 48 बार आई है। इसी तरह से हम सारे सदस्यों का डेटा भर देंगे। हम यहाँ 50 से ज्यादा संख्या नहीं डाल सकते क्योंकि 50 बैठक हुई है, सदस्य इससे या तो 50 बार आ सकते हैं या इससे कम बार आ सकते हैं, इससे ज्यादा बार मीटिंग में नहीं आ सकते। तो हम ध्यान रखेंगे इन बातों का, और जिस हिसाब से रजिस्टर में सभी बहनों की हाजिरी लगी हुई है उसी हिसाब से हम सबकी अटेंडेंस यहाँ पे भर देंगे। मैंने सारी अटेंडेंस फिल कर दी है और हम
सेव पे क्लिक कर देंगे। डाटा सेव सक्सेसफुली। यहाँ जो जो डिटेल हम भरते जाएंगे वहाँ ग्रीन होता जाएगा। हम यहाँ से भी अगले ऑप्शन पे जा सकते हैं और बैक से भी हम अगले ऑप्शन पे जा सकते हैं। एक बार मैं बैक करके भी आपको दिखा देती हूँ। बैक करके आप देख पाएंगे कि अटेंडेंस जो हमने भरी है वहाँ पे ग्रीन टिक होके आ गया है कि ये चीज हमने फिल कर दी है, अटेंडेंस हमने भर दी है। अब हम बात करते हैं सेविंग की। 2019 से लेकर मार्च 2019 से लेकर मई 2022 तक सभी सदस्यों की कितनी बचत हो गई है, एक एक सदस्य की हमने सारी गिनती करनी है। वो रजिस्टर से हमें मिलेगा डेटा और हमें यहाँ भरना है। हमने देखा कि सभी सदस्यों की बचत 2,000 रुपये हो गई है, रजिस्टर हमें बता रहा है, तो हम वही 2,000 रुपये डाल देंगे। सभी सदस्यों की मैंने 2,000 रुपये सेविंग डाली। और मैंने सेव कर दिया। डाटा सेव सक्सेसफुली। अब हम बैक जाके देखेंगे। यहाँ हमने हमारे पास 9 मेंबर्स इस ग्रुप के सदस्य हैं। जैसे आप देख भी पा रहे होंगे 9 सदस्य हैं इस ग्रुप में और 9 सदस्यों की सभी की 2,000 बचत हो गई है, तो 18,000 रुपये कुल हमारी समूह की सेविंग हो चुकी है। अब हम बात करते हैं मेंबर क्लोज लोन। 2019 से लेकर 2022 तक मई 2024 मई 2022 तक जो सदस्य ऋण लेकर पूरा कर चुके हैं वो संख्या और वो राशि हमने भरनी है। यहाँ हमें हम अनीता को ले लेते हैं। हमने ऋण लेजर रजिस्टर में देखा कि अनीता 3 बार पहले ऋण ले चुकी हैं और 5,000 रुपये इन्होंने लिए हैं, तो हम 15,000 रुपये ये क्लोज कर चुकी हैं लेकर। मंजू ने 2 बार लोन लिया है, ये भी 1,000-1,000 रुपये 2 बार ले चुकी हैं। दो गिनती करनी है हमें कि कितनी बार लिया है और वो राशि भी जोड़नी है कि राशि कितनी ली है, तो हमने यही भरना है इसमें कि कौन सा सदस्य कितनी बार लोन लेकर पूरा कर चुका है, यही डिटेल हमने सबकी भरनी है। प्रीति ने भी एक लोन लिया है 1,000 रुपये का, वो पूरा कर चुकी हैं 1,000 रुपये का लोन। 2,000 रुपये का राकेश देवी ने भी लिया है। हरीना भी 1,000 रुपये लेकर पूरे कर चुकी है। इसी तरह सीमा 2,000 का एक ऋण लेकर पूरा कर चुकी है। सुमन 2,500 रुपये लेकर पूरा कर चुकी है और इसी तरह उमा भी 2,000 रुपये लेकर पूरे कर चुकी है। तो यहाँ 9 मेंबर 13 बार ऋण ले चुके हैं और 29,500 रुपये की राशि लेकर क्लोज कर चुके हैं। यहाँ हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे और डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब हम बैक स्क्रीन जाके देखेंगे। मेंबर क्लोज लोन की राशि हमने भर दी है। 29,500 रुपये का ऋण बहने लेकर क्लोज कर चुकी हैं। अब बात करते हैं मेंबर एक्टिव लोन की। इस समय किन किन सदस्यों पे ऋण चल रहा है? हम एक्टिव ऋण लेजर रजिस्टर से देखेंगे कि किन किन का कौन सा ऋण चल रहा है, वही डिटेल हम भरेंगे। मैंने अनीता पे क्लिक किया और पेंसिल पे क्लिक करते हुए जैसे मैंने बताया कि 13 लोन लेकर पूरे कर चुके हैं, यहाँ लोन नंबर 14 आया है क्योंकि 13 लोन क्लियर हो चुके हैं और 14वां लोन
चल रहा है। अनीता रानी, इनके पति का नाम आया है संजीव कुमार, और लोन नंबर ऑटोफिल होके आया है। लोन अमाउंट हमें डालना है कि कौन सा लोन इनका चल रहा है। इनका 2000 रुपये का लोन चल रहा है। पर्पज ऑफ लोन, इन्होंने किस चीज़ के लिए लोन लिया था, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। बहुत सारे ड्रॉप डाउन में ऑप्शन है कि किस चीज़ के लिए लिया था। हम हेल्थ एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर कर देते हैं कि हेल्थ एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए इन्होंने लोन लिया था। फंड सोर्स, हम यहाँ कॉर्पस डाल देंगे कि समूह की जो बचत का पैसा इकट्ठा होता है उससे ही लोन अनीता ने लिया था। फंड सोर्स मैंने कॉर्पस भरा। और लोन डिसबर्समेंट डेट, कि यही 2000 रुपये का ऋण कब लिया गया था। हमने रजिस्टर से देखा और पता चला कि ये फरवरी में लिया गया लोन है। कैश ये दिया गया था, यहाँ पे कैश ही चुना गया है क्योंकि अभी हम कट ऑफ समरी भर रहे हैं, तो फर्क नहीं पड़ता कि 5 महीने पहले 10 महीने पहले ये लोन दिया गया था, नगद दिया गया था कि ये बैंक में दिया गया था, इसलिए यहाँ कैश ही है। क्योंकि हमें सिर्फ डिटेल डालनी है कि कौन कौन से ऋण हमारे चल रहे हैं, ताकि हम रेगुलर मीटिंग में उनकी रिपेमेंट ले सकें। यहाँ इंटरेस्ट रेट है 12%, यहाँ पहले से बिल है, और सभी एनआरएलएम के एसएचजी 1% पे ही, 12% पे ही आप ऋण देते हैं, तो यहाँ पे भरा हुआ है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। अगर आपको लगता है कि आप 24% पे देते हैं तो आप बदल सकते हैं। प्रिंसिपल रिपेड, 2000 में से कितने पैसे पे कर चुकी हैं। अनीता ने 1500 रुपये मूलधन पे कर दिया है। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 500 रुपये इनका रहता है। ओवरड्यू इनका कुछ नहीं है, इंटरेस्ट ओवरड्यू कुछ नहीं है, और टोटल ओवरड्यू में भी कुछ नहीं आएगा। कितने महीने बचे हुए हैं कि इनको लोन की रिपेमेंट देनी है, रिमेनिंग पीरियड्स इन मंथ, एक ही महीना इनके पास बचा है, तो मैंने एक डाला, और इनकी इंस्टॉलमेंट 500 रुपये बची हुई है। लोन रिपेमेंट फ्रीक्वेंसी मंथली, यहाँ पे ऑटोफिल है क्योंकि हम मंथली किस्त लेते हैं। हम सेव डेट सेव करेंगे। डू यू वांट टू चेंज द ईएमआई शेड्यूल, नो पे हम क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे। अनीता का एक लोन एक्टिव है जिसका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बकाया ऋण 500 रुपये है। अब हम दूसरे सदस्य को लेंगे जिनका लोन चल रहा है। हम लवली को ले लेते हैं, लवली देवी, मैंने क्लिक किया और एडिट पे जाएंगे। अब 14 नंबर का ऋण चल रहा है अनीता पे। अब हम लवली की बात कर रहे हैं, यहाँ लोन नंबर 15 आ गया है क्योंकि 15वां लोन हमारा चल रहा है। लोन अमाउंट हम डालेंगे तो हमें पता चला कि लवली का 10000 रुपये का लोन चल रहा है। पर्पज ऑफ लोन, इन्होंने एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए लिया है। फंड सोर्स, कॉर्पस से ऋण लिया है। कॉर्पस का मतलब आपका सारा पैसा जिसमें सेविंग आपकी बचत आ रहा है, और सभी इंटरेस्ट रख पैसा जो आप बचत खाते में डालते हैं, वो आपका अपना कॉर्पस होता है, अपना पैसा होता है, उसको आपने चुना। और लोन डिसबर्समेंट डेट, ये लोन कब दिया गया था। हमने रजिस्टर में देखा कि ये ऋण कब दिया गया था, तो हमें पता चला कि ये 5 मार्च को ऋण दिया गया था, तो हमने डेट सेलेक्ट कर ली। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पहले से है, मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। मोड ऑफ पेमेंट, यहाँ कैश ही है। प्रिंसिपल रिपेड, इन्होंने अभी कुछ भी पे नहीं किया, तो मैंने 0 डाल दिया।
ओवरड्यू प्रिंसिपल, इनको हजार हजार रुपए की दो किस्त देनी थी लेकिन इन्होंने अभी नहीं दी है, तो मैं प्रिंसिपल ओवरड्यू में 2000 रुपये डाल रही हूँ और इंटरेस्ट 0 डाल रही हूँ। कई बार ये होता है कि सदस्य हमारे ब्याज ब्याज दे जाते हैं और मूलधन नहीं देते, तो ब्याज तो नहीं लेना उनसे बकाया, लेकिन मूलधन उनका ओवरड्यू है तो मैंने डाल दिया, और टोटल ओवरड्यू में आप देखेंगे कि अपने आप ही फिल होके आ गया कि 2000 टोटल ओवरड्यू है। अब है रिमेनिंग पीरियड्स, कितने दिन बचे हैं लोन को पूरा करने में। 10 महीने के लिए ऋण दिया गया था, 2 महीने जा चुके हैं और 8 महीने रहते हैं। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 1000 फील होके आया है और मंथली रिपेमेंट हमने लेनी है। हमने सेव पे क्लिक किया। डू यू वांट टू चेंज द ईएमआई शेड्यूल, हमने एक बार यस करके मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने यस किया और यहाँ सारी किस्तें आ गई हैं। आप देख पा रहे होंगे जैसे हमने लवली का ऋण भरा था, इसने मार्च में ऋण लिया था लेकिन 2 किस्तें इसने नहीं दी। अब जो पहली किस्त की मांग होगी वो 3000 की होगी, जो 2000 पिछले खड़े हैं उसके और 1000 अगली जो महीने की मांग है वो जोड़ के यहाँ पे दिख रही है, और अगले महीने में हम लवली से 3000 रुपये मूलधन की डिमांड करेंगे। और हम यस पे क्लिक करते हुए 8 महीने हमारे बचे हुए हैं। इसी तरह से सारा शेड्यूल हमारे सामने है, हमने सेव पे क्लिक करना है और डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। आप देख पाएंगे कि हमें 10000 रुपये लवली से लेने हैं और 500 रुपये अनीता से लेने हैं। अब एक और ऋण हम रनिंग लोन हम चढ़ा देते हैं जो एक्टिव है। मधु को हमने चुना और हमने देखा कि रजिस्टर में मधु ने भी पैसा ले रखा है, तो हमने मधु का एक्टिव ऋण चढ़ाने के लिए हमें पेंसिल पे क्लिक करना है और यही लोन नंबर ऑटोफिल होके आया है। 16वां ऋण हम चढ़ा रहे हैं। लोन का अमाउंट हम डालेंगे, हमें पता चला कि 20000 रुपये का ऋण मधु ने ले रखा है। पर्पज ऑफ लोन, यहाँ पे सारे पर्पज हैं जो आपको जिस चीज के लिए ऋण दिया गया है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। मैं सोशल फैमिली फंक्शन कर देती हूँ कि शादी खर्च के लिए या अन्य किसी फंक्शन के लिए इन्होंने पैसा लिया है। फंड सोर्स में मैं कॉर्पस ही डालूंगी। लोन डिसबर्समेंट डेट, हमने रजिस्टर में देखना है कि यह लोन कब दिया गया था। हमने रजिस्टर में देखा यह 2021 में दिया गया लोन है और 5 दिसंबर को यह ऋण दिया गया था। मैंने ओके पे क्लिक किया और अब प्रिंसिपल रिपेड, 20000 में से कितने कितना मूलधन वापस दे चुके हैं। तो हमने रजिस्टर में देखा कि 5 किस्तें आ चुकी हैं और ओवरड्यू कुछ नहीं है, तो हम यहाँ ऐसे ही छोड़ देंगे कि कोई भी विलंबित किस्त इनकी नहीं है, ये टाइम से किस्तें दे रही हैं और कोई इंटरेस्ट भी ओवरड्यू नहीं है। अब इनका लोन का कितना समय बचा हुआ है, इन्होंने 20 महीने के लिए यह ऋण लिया था जिसमें से ये 5 किस्तें दे चुकी हैं। अब 15 महीने इनके बचे हैं और 15 महीनों के हिसाब से 15000 रुपये बकाया जो है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इनकी किस्त बन के आ गई है 1000 रुपये की, और मंथली ये रिपेमेंट देंगे और हमने सेव पे क्लिक कर देना है। क्या आप ईएमआई शेड्यूल जो हम ऋण लेजर में किस्त विवरण बनाते हैं क्या आप देखना चाहेंगे, तो हम यस पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हमारी किस्तों का विवरण जो हम ऋण लेजर रजिस्टर में बनाते हैं वही किस्तों का विवरण हमारे सामने है। हमने सेव पे क्लिक कर देना है और डाटा सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अब मैं बैक जाऊंगी। यहाँ हमने 3 सदस्यों के एक्टिव ऋण चढ़ा दिए हैं।
अब हम बैक जाएंगे। अब हम देख पाएंगे कि मेंबर एक्टिव ऋण 25,500, हमें 25,500 रुपए सदस्यों से ऋण लेना है। अब अगले आइकन पे हम चलते हैं, मेंबर शेयर कैपिटल। हमारे समूह में शेयर कैपिटल होता नहीं है, जो समूह करते हैं वो इसमें अमाउंट डाल सकते हैं। अगर आपके समूह में यह नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। मेंबरशिप फीस, जब हमारे समूह में कोई नया सदस्य जोड़ा जाता है तभी हम मेंबरशिप फीस लेते हैं। हो सकता है आपके एसएचजी में मेंबरशिप फीस ली जाती हो तो आप भर सकते हैं, अगर आपके यहाँ नहीं ली जाती आपके एसएचजी में तो आप छोड़ सकते हैं। हम मान लेते हैं कि रीना हमारी नई सदस्य जुड़ी थी और जब यह समूह में जुड़ी तो समूह सदस्यों ने कहा कि हमारा पुराना समूह है और हम आपको अभी जोड़ने के शुल्क लेंगे, तो सदस्यता शुल्क उन्होंने लिया, मेंबरशिप फीस उन्होंने ली 200 रुपये और मैंने सेव कर दिया। हम बैक जाएंगे, आप देख पाएंगे कि मेंबरशिप फीस मैंने भरी है 200 रुपये, तो यहाँ शो हो रही है। ये सब कट ऑफ की चीजें थी। अब हम ये एसएचजी मेंबर्स से जुड़ी हुई कट ऑफ थी, इसमें हमने मेंबर्स की सेविंग भरी, मेंबर्स के क्लोज लोन भरे, एक्टिव ऋण भरे, मेंबरशिप फीस भरी। अब हम ग्रुप ट्रांजैक्शन की बात करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है मेंबर ट्रांजैक्शन, ये मेंबर्स की चीजें थी। अब हम ग्रुप ग्रुप की ट्रांजैक्शन भरेंगे। ग्रुप कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहा है, कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, क्या लोन देना है, तो यहाँ पे हमने ग्रुप इन्वेस्टमेंट पे क्लिक किया। एक बार फिर से मैं बैक जाके आपको दिखा देती हूँ। ग्रुप ट्रांजैक्शन, ग्रुप इन्वेस्टमेंट पे मैं गई। आप सबको पता है कि हमारे सभी समूह ग्राम संगठनों में जुड़े हुए हैं और वहाँ हम 100-100 रुपये मंथली सेविंग देते हैं, तो वह हमारी इन्वेस्टमेंट में आएगी। मैंने प्लस बटन पे क्लिक किया और सेलेक्ट किया वीओ। और वीओ में आप क्या दे रहे हो, यहाँ पे शेयर कैपिटल है, कंपलसरी सेविंग है, वॉलंटरी सेविंग है। हम वीओ में कंपलसरी सेविंग देते हैं और अब तक कितना दे चुके हैं, 2019 से 2022 तक मई महीने तक आप कितनी सेविंग ग्राम संगठन में दे चुके हो, तो वो आपको डालनी है। मैंने रजिस्टर में देखा, वहाँ लिखा हुआ था कि अब तक ये 1,000 रुपये दे चुके हैं, तो मैंने वही अमाउंट डाला। ये सभी डिटेल आपको समूह के रजिस्टर से आपको भरनी है। अब हम ग्रुप इन्वेस्टमेंट में भर चुके हैं कि 1,000 रुपये सेविंग ये दे चुके हैं। अब हम बैक स्क्रीन जाएंगे, अब देख पाएंगे कि ग्रुप इन्वेस्टमेंट में 1,000 रुपये अमाउंट ये डाल चुके हैं। अब है कट ऑफ ग्रुप क्लोज लोन, कि ग्रुप कितने बार ऋण लेकर पूरा कर चुका है, क्लोज कर चुका है और कहाँ कहाँ से लेकर कर चुका है। हमें कट ऑफ क्लोज लोन, ग्रुप क्लोज लोन पे क्लिक करना है, प्लस बटन पे जाना है और कहाँ से, वीओ से एक ऋण मिला था, हम पहले वीओ का भर देते हैं। हम वीओ का नाम डाल देते हैं, यहाँ बोरोड फ्रॉम डालना है आपको, वीओ का नाम। अगर आप बैंक से ऋण लेके क्लोज करें तो बैंक का नाम आएगा, अगर आप वीओ चुना है आपने तो वीओ का नाम, जो भी आपका ग्राम संगठन है। मैंने यहाँ डाला संगम महिला वीओ, मैंने डाला फंड सोर्स। फंड सोर्स आपको सीआईएफ चुनना है, आपको सीआईएफ मिलता है ग्राम संगठन से। हो सकता है वीआरएफ हो, सीआईएफ हो, सीईएफ हो, तो वो भी आप चुन सकते हैं। जैसे आपने सीईएफ, जो स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम से, स्वैप से आपको लोन मिला है और सीईएफ मिला है, तो वो भी आप चुन सकते हो। अगर आपको वीआरएफ से लोन मिला है तो वो चुन सकते हो, सीआईएफ से मिला है या कॉर्पस से मिला है। मैंने यहाँ सीआईएफ चुना है। क्लोज लोन,
नंबर, आप कितने ऋण लेकर पूरे कर चुके हैं। समूह के रजिस्टर से मुझे पता चला कि एक ऋण मिल चुका है और वही हमने कंप्लीट कर दिया है, तो 20,000 का हमें ऋण मिला था। अमाउंट मैंने डाल दिया और सेव कर देना है। डाटा सेव सक्सेसफुली, हम 20,000 रुपये का ऋण लेकर पूरा कर चुके हैं। अगर आपको दोबारा ग्रुप क्लोज लोन डालना है तो आप प्लस कर पे क्लिक करोगे और बैंक, जैसे बैंक से CCL मिला था और वो भी हम क्लोज कर चुके हैं, यहाँ बैंक का नाम हम डाल देंगे। मैंने कैनरा बैंक को चुना, जिस बैंक से हमें ऋण मिला है वही आपको नाम चुनना है। कितने ऋण लेकर आप पूरा कर चुके हैं। एक एक ऋण मिला था, अमाउंट 50,000 रुपये था और हम सेव कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे हम VO और CLF, VO और बैंक ऋण की डिटेल भर चुके हैं। हम बैक स्क्रीन जाएंगे। अब हमें ग्रुप एक्टिव लोन चढ़ाना है कि ग्रुप का कौन सा लोन एक्टिव है। हमने क्लिक किया और प्लस बटन पे जाके हम चुनेंगे। हमने सेलेक्ट करना है कि कहाँ से लोन ग्रुप पे चल रहा है। VO से चल रहा है, बैंक से चल रहा है, CF चल रहा है, MFI से चल रहा है, या कहाँ से चल रहा है, तो आपको चुनाव करना है। मैंने VO से चुना। VO का नाम हम डालेंगे बोरोड फ्रॉम में। संगम महिला VO मैंने चुना। लोन अमाउंट मैंने चुना कि 5,000 रुपये का लोन चल रहा है। फंड सोर्स CIF मैंने चुना, और CIF हमारा टर्म लोन ही होता है, तो ये यहाँ पे टर्म लोन ऑटो फिल है। 9% पे हमें यह ऋण मिला हुआ है। सॉरी, मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ लोन अकाउंट नंबर हमने भरना था, हमने अमाउंट भर दिया, हमें लोन अकाउंट नंबर यहाँ डालना है। आपको VO से कितने नंबर का लोन मिला है, तो मैंने पता किया रजिस्टर से, तो 112 नंबर का लोन हमें मिल चुका है। लोन अमाउंट हमें डालना है वो है 5,000 रुपये। ओरिजिनल लोन पीरियड्स कितने महीने के लिए मिला था, 10 महीने के लिए मिला था। ओवरड्यू कुछ नहीं है, हम टाइम पे किस्तें दे रहे हैं। मूलधन कितना दे चुके हैं, हम 3,000 रुपये दे चुके हैं। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग 2,000 है। प्रिंसिपल ओवरड्यू कुछ नहीं है, इंटरेस्ट ओवरड्यू कुछ नहीं है। इंस्टॉलमेंट अमाउंट प्रिंसिपल पेड, रिमेनिंग पीरियड्स आपने भरने हैं। यहाँ 10 महीने के लिए मिला था और कितने महीने बचे हुए हैं, हमारे पास 4 महीने बचे हुए हैं। और जैसे ही मैंने 4 महीने भरे तो 2,000 की 500 रुपये की इंस्टॉलमेंट हमारे सामने है और हमने सेव कर देना है। अगर आप शेड्यूल देखना चाहते हैं तो इस तरह हमने किस्तें देनी है और हम सेव कर देंगे। अब हम बैक स्क्रीन जाके देखेंगे। क्लोज लोन हमारा 70,000 रुपये का है और 2,000 हमारा एक्टिव लोन चल रहा है। अब हम फंड रिसीव्ड पे चलते हैं। इसी तरह अगर आपको और एक्टिव ऋण चढ़ाना है, जैसे आपका बैंक से कोई लोन चल रहा है, तो इसी तरह आप फिल कर सकते हो, डेटा आप भर सकते हो। और ग्रुप फंड रिसीव, आपके ग्रुप ने क्या क्या फंड रिसीव किया है, हमें सबसे पहले चुनाव करना है। SRLM से हमें रिवॉल्विंग फंड मिलता है, हमने रिवॉल्विंग फंड चुना।
यहाँ हमें बैंक में मिलता है, तो हमने बैंक चुना। बैंक का दो अकाउंट नंबर हमारे हैं, CCL और बचत का सेविंग। जो आपने देखना है कि कौन सा हमारा बचत का खाता नंबर है और कौन सा CCL का, तो आपको चुनाव करना है। और ट्रांजैक्शन नंबर आप डाल सकते हो, मैंने ट्रांजैक्शन नंबर डाला। और रिसीव अमाउंट, कितना पैसा आपने रिसीव किया था। हमने 10,000 रुपये रिसीव किए थे, तो हमने सेव पे क्लिक कर दिया। हम बैक स्क्रीन जाएंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमने फंड रिसीव भर दिया है। ग्रुप कैश बैलेंस 24/5/2022 तक ग्रुप की कैश बुक में हाथ में कितनी राशि है, कैश इन हैंड। हमने देखा कि कैश बुक लिखी हुई है और 250 रुपये कैश इन हैंड है, और हम सेव कर देंगे। अब हम बैक जाएंगे। ग्रुप बैंक बैलेंस, अब हमें जो बैंक पासबुक दिखा रही है वो बैलेंस डालना है। ये दो अकाउंट नंबर है, आपको चुनना है कि सेविंग अकाउंट नंबर कौन सा है, तो मैंने सेविंग अकाउंट नंबर चुना। और मैं एडिट पे गई, आपको आपका खाता नंबर दिख रहा है। आपको कैसेट बैंक बैंक पासबुक हमारी दिखा रही है कि 15,200 रुपये हमारे बैंक में पड़े हैं, हमने सेव करना है। सेव्ड सक्सेसफुली। हम बैक जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15,200 रुपये आपके हैं। ये है ग्रुप सरप्लस और लॉस। यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका ग्रुप प्रॉफिट में है या लॉस में है। यहाँ लाइबिलिटीज आपकी है, मेंबर सेविंग 18,000 रुपये, लोन देना है हमें वीओ का 2,000 रुपये। हमारा जो लाइबिलिटीज है वो 20,000 रुपये है। अब हम एसेट्स देखेंगे। ये हमारे एसेट्स हैं, कैसेट बैंक हमारे पास है 15,200 रुपये। लोन हमें बकाया ऋण जो हमारा है वो 25,500 है। इन्वेस्टमेंट हमारी 1,000 रुपये है, जो हमने वीओ में कर रखी है। मंथली सेविंग ये है वीओ और सीएलएफ में 1,000। और अब हम सरप्लस देखेंगे, प्रॉफिट हमने देखना है कि हमारा एसएचजी प्रॉफिट में है या लॉस में। अभी हमारा जो सरप्लस है वो 21,950 रुपये है। हमारा जो एसएचजी है वो प्रॉफिट में है। अब हम बैक स्क्रीन जाएंगे और क्लोज मीटिंग करेंगे। आप फिर से देख पाएंगे जो मेंबर प्रेजेंट हैं वो 450 हमारी कुल बैठक बनती हैं। जो 50 मीटिंग हमने लिखी थी, तो उसके हिसाब से जो हमारे मेंबर हैं 9 450 बैठक में 431 बैठकों में मेंबर आए हैं, जो उनकी कुल हाजिरी है। मेंबर 431 बार आए हैं 450 मीटिंग्स में से। टोटल सेविंग है, रीपेमेंट है, और ये सारी डिटेल हमारी एसएचजी की जो हमने भरी है वो आ गई है। हमें क्लोज एंड सेंड फॉर अप्रूवल करना है। अब हमारी मीटिंग क्लोज हो चुकी है। धन्यवाद।